दोस्तों, मेरा बाट सेटअप में ब्रीडिंग प्रोग्रेस चालू हो गया है। तो आज मैं इस वीडियो के दौरान जेब्रा फिंच, बेंगोली फिंच और जाभा बजीस, ये सारे बाट्स का जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस आया है, कुछ कुछ का चिक्स भी निकल गया है, कुछ कुछ में अंडा है, कुछ कुछ घोंसला बना लिया है, सारे लेके आज का वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर जुड़े रहिए। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, और अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप बार्जोल ढावरा यूट्यूब चैनल में आप सभी को करते हैं बहुत बहुत स्वागत। चलिए दोस्तों, प्रोग्रेस दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों, ये है पहला केज, दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे क्या है देखते हैं। फ्लैश ऑन कर लेता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे अंडे दे दिया है, अब देख सकते हैं यहाँ पे चार अंडे हैं। और नेक्स्ट में देखते हैं, ये जो पेयर है दोनों वाइट का पेयर है। और यहाँ पे देखते हैं क्या है, एक वाइट और फोन का मेल है। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, दोस्तों यहाँ पे शायद कुछ है, यहाँ पे भी चार अंडे हैं, बहुत अच्छे से घोंसले बनाया इस पेयर ने। और इसके पास में है, ये भी एक फोन का मेल और वाइट का फीमेल है। दोस्तों, ये अंडे दिया था पहली बार और ख़राब कर दिया, तो मैंने फिर से इनको दिया है नेस्ट बास्केट, काली में लगाया था, तो अभी तक कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है। इसमें देखते हैं दोस्तों क्या है, इसमें शायद कुछ है, मैं पहले देखा था। यहाँ पे भी हाँ, यहाँ पे दो अंडे हैं। हाँ, यहाँ पे दोस्तों दो अंडे हैं। कैटलबोन फिश को भी ये ऊपर में कर लिया है, उसके अंदर घोंसले के अंदर। अभी इसके बगल वाले में देखते हैं, ये दोस्तों नया पेयर मैंने लगाया, ये कल ही मैं लगाया था। ये दोनों ही पाइंट है, ये अभी घोंसला बना लिया है, परसों मैं लगाया था, दो दिन में अच्छे से घोंसला भी बना लिया। ये एक है ब्लैक का पाइंट और एक है फोन का पाइंट, अब देख सकते हो मेल जो है ये ब्लैक का पाइंट है और फीमेल है फोन का पाइंट। और ये जो पेयर है ये भी ज़बरदस्त पेयर है, वाइट का मेल है, इन्होंने अभी घोंसला बनाया मगर अंडे ले नहीं किया। अच्छे से घोंसला बनाया मगर अंडे ले नहीं किया, कर देगा एक दो दिन में शायद। और अभी देखते हैं, ये देखिए पेयर, वाइट का पेयर है और फोन का फीमेल है। इससे क्या होता है दोस्तों, रेड आई बच्चे निकलने का चांसेस रहता है बहुत ज़्यादा, अगर फोन का फीमेल और वाइट का मेल हो तो। इस पेयर ने भी तीन अंडे दे दिए, अच्छे से नेस्ट बनाया। ये भी दोस्तों वाइट का पेयर है, और वाइट का पेयर थोड़ा ब्रीडिंग प्रोग्रेस इन लोगों से थोड़ा कम मिलता है, मगर सही है। ये पेयर देखिए, ये फोन का मेल है और देखते हैं अंडे शायद बैठा हुआ है अंदर। यहाँ पे दोस्तों बच्चे हैं, यहाँ पे दोस्तों तीन बच्चे लग रहे हैं मुझे, तीन या चार शायद बच्चे हैं, चार बच्चे हैं शायद, एक दो तीन, चार बच्चे हैं दोस्तों। इसका जो फीमेल है, ये दोनों ही फोन का है पेयर, ठीक है, बहुत अच्छा है ये पेयर। देखते हैं क्या होता है, बच्चे जिंदा रह पाता है या नहीं। चलिए इसको देखते हैं, ये वाइट का क्या हाल है देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों हाँ, यहाँ पे एक बच्चे हैं, ये शायद आज ही हैच हुआ, आज या कल हैच हुआ था शायद। तीन अंडे और दो अंडे हैं, तीन अंडे दिया था शायद। ये वाइट का पेयर है, वाइट में दोस्तों कभी कभार मसला हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम करता है ये सारे। ये दोस्तों बेंगोली का पेयर है, ये दोनों ही मेल है, मैंने एक साथ बहुत सारा बेंगोली खरीदा था मगर मेरे पास मेल थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं फीमेल ढूंढ रहा हूँ, एक भैया के पास है भी। मैं यहाँ पे एक फॉस्टर किया है, एक शायद ख़राब हो गया।
यहाँ से बच्चे मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं। ये दोनों ही मेल है, मेल भी उठा देता है बच्चा, बच्चा अच्छे से पाल लेता है। ये पेयर में एक बच्चे पहले, पिछले क्लच में एक बच्चे, ये पहले अंडा देके एक क्लच कर लिया, ये सेकंड क्लच है ये बट का। यहाँ पे भी चार अंडे हैं, अब देख सकते हैं इसका जो बच्चा है ऊपर बैठा था। इस पेयर को देखिए दोस्तों, ये फॉनर वाइट का लगाया, यहाँ पे भी बच्चे आ गया, जबरदस्त बच्चे, अच्छे से फिट कराया। देखो दोस्तों यहाँ पे भी दो बच्चे हैं और कुछ अंडे हैं, शायद हैच होने वाला है ये, बाकी सारे अंडे हैच हो जाएंगे एक दो दिन में। यहाँ पे भी एक वाइट का पेयर है, इन्होंने कुछ प्रोग्रेस किया या नहीं मुझे पता नहीं, मैं देख लेता हूँ। इन्होंने प्रोग्रेस नहीं किया अभी तक, घोंसला अच्छे से बना लिया, शायद दे देगा। वाइट में थोड़ा लेट करता है सेटिंग होने में और कभी कभार लेट करता है अंडे देने में भी। ये दोस्तों एक पेयर बंगाली है और इसमें मुझे दो बच्चे मिला है, बंगाली का बच्चा है, ये खुद का बच्चा खुद उठा रहा है। ये देखिए दो बच्चे, ये बंगाली का बच्चे हैं, ये मुझे लग रहा है जो एक हफ्ता में शायद बाहर आ जाएगा, तीन चार दिनों में बाहर आ जाएगा और एक हफ्ता में शायद सेल्फ हो जाएगा, मुझे लग रहा है ऐसा। एक हफ्ते 10 दिन में मैं इस 10 दिन में इसको अलग कर सकता हूँ। और ये भी दोनों मेल है और यहाँ पे एक पेयर है, मगर इसको मैं फॉस्टर किया, इन्होंने खुद का अंडे नहीं दिए तो मैं इनको फॉस्टर किया। बहुत अच्छे से अंडे सेक रहा है दोस्तों, ये चारों अंडे मुझे लग रहा है फर्टाइल है और बहुत अच्छे से भी घोंसला बनाया, बहुत ज़बरदस्त पेयर लग रहा है मुझे अभी। बाकी आप लोगों दुआ कीजिए कैसे क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों ये भी दोनों मेल है, मेरे पास तीन पेयर मेल हो गया, ठीक है, 6 पीस मेल एक्स्ट्रा हो गया, तो मैंने वो दोनों दोनों करके रखा है अभी तक और फॉस्टरिंग करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं जेब्रा फिंच का बच्चा, यहाँ पे देखिए जेब्रा फिंच का बच्चा ये पाल रहा है, ये मैं 3 एग दिया था, 2 एग हैच हुआ, ये देखिए अच्छे से पाल रहा है। ये अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, इन फ्यूचर मैं लॉन्ग टेल या गोल्डियन लाऊं तब मुझे काम आए, तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ जेब्रा फिंच देखे, तो नुकसान हो तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अभी। और अच्छे से बच्चे पालना इन लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। और इस सेटअप में देखा लाइट को हटा देता है, हाँ अभी ये जो सेटअप है, ये सेटअप में मेरा जो पिछले पुराना जो खचा था, पुराना जो केस था 15 पेयर का, ये मैं कुछ दिनों पहले लगाया और सारे, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे दोस्तों 3 एग है, ये एग लेइंग स्टार्ट किया है शायद, और ये वाइट का पेयर है, और इसके पास मैं देखता हूँ ये भी एक वाइट का पेयर है, इसमें शायद कुछ नहीं है दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें प्रोग्रेस आएगा मुझे लग रहा है, कुछ दिनों में ही आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है इस सेटअप में, ये जो 15 पेयर का जो नया है, इसमें ज़्यादातर में कुछ नहीं आया, मगर देखते घोंसला सारे ने बना लिया, इसमें भी कुछ नहीं आया, एक दो दिनों में सारे आने वाला है। तो बहुत सारे दोस्त मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था तो इसीलिए मैंने ये प्रोग्रेस वीडियो बनाया। यहाँ पे शायद कुछ है नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये तीन चार चार पांच छोड़ के सारे में है, ये चार इसमें है, इसमें देख, हाँ इसमें दोस्तों 5 एग है, अच्छे से घोंसला नहीं बना है, इसमें एक दे दिया, इसमें मुझे 2 या 3 एग फर्टाइल लग रहा है, क्या होता है देखते हैं ऊपर वाले के हाथ में। और ये जो पेयर ये मैंने नया लगाया, एक वाइट और एक फोन का पॉइंट है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त पेयर लग रहा है मुझे, अभी क्या करेगा ऊपर वाले के हाथ में। इसमें देखते हैं, इसमें शायद कुछ है, इसमें भी वाव, इसमें 5 अंडे हैं दोस्तों, 5 में या तो 4-5 ही मुझे, 5 के 5 ही शायद फर्टाइल है, 4 या 5 हो सकते हैं। यहाँ पे भी लेइंग स्टार्ट कर दिया, दोनों दोनों एग मिला, ये ब्लैक के साथ फोन के लगाया,
देख पा रहे हो आप। और इसमें दोस्तों क्या है दिखाते हैं, इसमें भी शायद एग है, इसमें शायद एग है। हाँ दोस्तों इसमें भी चार एग है मुझे लग रहा है, और एक देगा शायद, न्यू लेइंग एग है, एक दो दिन हुआ है शायद कंप्लीट किया, आज भी शायद एक दिया। अभी फर्टिलिटी समझ में नहीं आ रहा, इसमें भी बहुत अच्छा है, इसमें चारों ही मुझे फर्टाइल लग रहा है। अब इसके बाद में देखते हैं, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी तीन एग हैं, तीन या चार एग अंदर में घुस गया, एक या दो शायद फर्टाइल है। इसका जितना सारे एग, ये इसका सारे एग मैं फर्टिलिटी चेक करके दूसरे के पेयर के नीचे दे दूंगा। ये नया पेयर मैंने लगाया कल, और यहाँ पे, और दोस्तों ये जो मेरा जाभा का सेटअप है, ये जाभा ने भी कुछ प्रोग्रेस किया है, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। जाभा ने भी दो मटकी में प्रोग्रेस किया है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रोग्रेस है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे चार एग है, उतना अच्छा से ये घोंसला नहीं बना है, शायद एक्सपीरियंस नहीं है इसीलिए। चार एग है दोस्तों, मैं बहुत सारा नेस्टिंग मटेरियल दिया था, एक्सेस नेस्टिंग मटेरियल दिया था बहुत सारा, मगर ये सारों ने पहले बनाया था, फिर अंडे देने के बाद ये निकाल लिया। ये देखिए ये भी बनाया है मगर एग नहीं दिया। मेरा चार पेयर ब्लैक जाभा का पेयर है, और जो ये जो पेयर है ये सबसे पहले दिया था, पता नहीं अभी क्या होगा, सबसे पहले एग दिया था, चारों एग है, पता नहीं चल रहा है क्या होगा। और इसमें कुछ नहीं है, इसका डायरेक्शन मैं कुछ दिन, कल या परसों शायद मैं चेंज किया था इसका जो मटकी का जो डायरेक्शन है, एक नहीं दे रहा था, तो इसीलिए मैं थोड़ा डायरेक्शन चेंज करके देख रहा हूँ। और नीचे में ये एक बंगाली का प्यार है दोस्तों, बहुत अच्छा प्यार है, मैंने इसके नीचे जेब्रा फिंच का पांच चिक्स रखा है, पांचों को अच्छे से फिट करा रहा है, अभी बाकी लास्ट में दिखेगा क्या होगा। अभी ये देखिए दोस्तों, पांच चीक है इसमें, पांचों चीक है, पांचों को अच्छे से फिट कराता है, अभी पता नहीं एंड तक क्या होने वाला है मुझे पता नहीं, मगर यहाँ पे पांच चीक्स है, पांच चीक्स ही अच्छे से फिट करा रहा है ये दोनों ही। ये मेल फीमेल है बर्ड, मगर ये खुद से अंडे नहीं दिया था। यहाँ पे एक वाइट जाभा का पेयर है, मेरे पास दो पेयर है, मगर ऊपर एक पेयर है, नीचे में एक पेयर मैंने रखा है जेब्रा फिंचेस के साथ। मैं इन लोगों को अभी बैठाया नहीं, अभी मैं कुछ दिनों में हंडी लगा दूंगा मैं। और यहाँ पे भी कुछ फीमेल मेरा एक्सेस है, मैं रखा हुआ हूँ। और दोस्तों पूरा सेटअप आप लोगों को कैसे लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताएं मुझे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, और बजिस का भी है, वो भी हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे दोस्तों मेरा जो पहले जो बजिस था, मैं तीन पेयर रख के सारे सेल आउट कर दिया, और दो मेरा एक्सेस है, और अभी यहाँ पे एक एक दिया है। एक हफ्ते हुआ है मैं हंडी लगाया, तो अभी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मैं आशा नहीं किया था जो दे देगा एक, मैं ब्रीड करने भी नहीं देखा इन लोगों को। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक है दोस्तों, शायद आज ही दिया है, आज ही स्टार्ट किया है, और आप लोगों को शेयर कर दिया मैंने, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कैसे लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में बताइए दोस्तों, और दुआ कीजिए, ऐसे ही मेरा जो सक्सेस आप लोगों के दुआ से ही मुझे मिल रहा है, तो दोस्तों प्लीज़ दुआ कीजिए ऐसे सक्सेस मिलता रहे। और जितने भी बर्ड्स लवर हैं हमारे दोस्त, सबका ऐसे ही प्रोग्रेस होता रहे।
दोस्तों मेरा सेटअप आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइए, और कुछ भी इंक्वायरी रहेगा तो मुझे पूछिए, कमेंट में पूछिए, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। और कमेंट में थोड़ा ज़्यादा लंबा बात नहीं हो पाता है, तो इसीलिए आप इंस्टाग्राम में बर्ड्स वर्ल्ड हावड़ा बोल के सर्च करके मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा फेसबुक में भी पेज अवेलेबल है, बर्ड्स वर्ल्ड हावड़ा आप सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। वहाँ पे भी लाइक करके मुझे मेरे से आप बात कर सकते हो, मैं सारे को सबको मैं हेल्प करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, और प्लीज़ 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 कमेंट करके बताना आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग क्या मैं अपडेट कर सकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बना सकता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नया टॉपिक नया वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिएगा, खुश रहिएगा आपके बर्ड्स के साथ, और ख्याल रखिएगा सारे बर्ड्स को। दोस्तों मिलते हैं नया टॉपिक नया वीडियो में, बाय बाय।